आज निकलने जा रहा है मलाई से घी, मतलब जो अपने घर में नॉर्मली दूध आता है ना, उसमें जो मलाई पड़ती है उसी का। मैंने 15 दिन की ये मलाई इकट्ठी की हुई है और इसको मैंने विस्कर से एक भगोने में अच्छे से विस्क कर लिया है। और क्योंकि गर्मी बहुत तेज़ है तो कुछ आइस क्यूब डाल के इसको विस्क करना है ताकि ईजली इसका मक्खन निकल जाए। अब आप देख सकते हैं कि इसको मैं विस्क कर रही हूँ तो ये मक्खन और पानी दूध सब छोड़ रहा है अलग, मक्खन एक जगह ये इकट्ठा होता जा रहा है। क्योंकि बच्चों को मैं हेल्दी खाना देना ही पसंद करती हूँ, एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकती तो घर का बना हुआ गाय का दूध आता है मेरे यहाँ, तो उसी का ही मैं घी उन बच्चों को देती हूँ। फाइनली ये मक्खन निकल आया, ये 5 मिनट्स या 7 मिनट्स में निकल आता है इसलिए। और मैं इसकी एक बॉल्स बना के अलग रखूँगी। बॉल्स निकल चुकी हैं, आप देख सकते हैं ये। और इसके ऊपर मैं डालनी हूँ चिल्ड वाटर, जिससे कि ये और दूध हो जिसमें हट जाए। और इसके बाद मैं ये बॉल्स को एक एक करके एक छन्नी में निकाल दूंगी, जो एक्स्ट्रा पानी होगा वो निकल। बॉल्स को मैं एक एक करके आप गरम कढ़ाई में, जो कि मोटे तले की है, उसमें ये डाल दूंगी और धीमी आंच में बनेगा ये। फाइनली तैयार है घी।